सिर्फ 2 चम्मच दही में मिलाकर खा लो, एडी से चोटी तक जड़ से खत्म होंगे भयंकर से भयंकर रोग। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको बहुत सारे फायदे देगी। आपको कब्ज रहती है, कब्ज में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपकी कब्ज ठीक करने में। 10 हो गए हैं आपको, 10 को रोकने में ये मदद करेगी। अगर आपको शुगर है तो ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करेगी। यदि आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है, आपको हार्ट ब्लॉकेज हो गई है, उसको भी ये ठीक कर देगी। दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तब भी ये आपके बहुत काम की औषधि है। ओवर डाइटिंग रोकने में ये आपकी मदद करेगी। यानी आपको ज्यादा खाने की आदत है, आपकी ये आदत छूट नहीं रही और इससे मोटापा बढ़ता जा रहा है, तब भी ये औषधि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आज जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो अनेक तरह से आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें। दोस्तों, उस औषधि का नाम है इसबगोल। इसबगोल बहुत ही काम की औषधि है। ये हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक कर देती है। आजकल की जीवन शैली में तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आती जा रही हैं। खराब खानपान, देर से सोना और देर से जागने की आदत, दिन भर एक ही जगह बैठकर घंटों कंप्यूटर के सामने काम करना, ये सब आदतें दोस्तों आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि सभी की दिनचर्या ऐसी ही होती जा रही है। इसलिए सबको दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स दिन पर दिन होती जा रही हैं। इन सब गलत आदतों का पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कब्ज समेत कई अन्य तरह की समस्याएं होने लगती हैं। यानी बैठे बैठे उनका शरीर अकड़ने लगता है, अंदर कब्ज होने लगती है। और कब्ज तो वो बीमारी है दोस्तों जिससे अनेक तरह की बीमारियां हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को कब्ज के कारण डायबिटीज होने लगती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ना जाने कितने रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं इस कब्ज की वजह से। दोस्तों, अपने देश में कब्ज से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये आपने देखा भी होगा। और यही कारण है कि लोग कब्ज से आराम पाने के हर संभव प्रयास करते हैं जो उनके बस में होते हैं। डॉक्टरों और कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसबगोल कब्ज से आराम दिलाने की सबसे उपयोगी घरेलू दवा है। दोस्तों, यदि आप इसबगोल का प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ आपकी कब्ज ठीक होगी बल्कि आपका शुगर लेवल भी इससे कंट्रोल में रहेगा। पाचन संबंधी कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वेट लॉस आपको करना है, वेट लॉस करने में आपकी मदद करेगी, दिल को स्वस्थ रखेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी ये औषधि। 10 अगर हो गए हैं आपको, उनको भी ये रोकने में मदद करेगी। दोस्तों, कहने की बात है कि ये आपको हर लिहाज से फायदा ही देगी। इसबगोल प्लांटागो ओवाटा नामक पौधे का बीज होता है। ये पौधा देखने में बिल्कुल गेहूं के जैसा होता है, जैसा कि गेहूं का पौधा होता है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां और फूल होते हैं। इस पौधे की डालियों में जो बीज लगे होते हैं उनके ऊपर सफेद रंग का पदार्थ चिपका रहता है, इसे ही इसबगोल की भूसी कहा जाता है। इसबगोल की भूसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये सेहत के लिए काफी गुणकारी है। दोस्तों, भारत समेत विश्व के कई देशों में इसकी खेती की जाती है। इससे हमें काफी औषधीय गुण मिलते हैं। इसबगोल एक तरह से लैक्सेटिव की तरह काम करती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। इसबगोल का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसबगोल दोस्तों पेचिस को ठीक करती है, कब्ज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, इन सभी रोगों में गुणकारी है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धति में इसबगोल को औषधि या दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं दोस्तों आपके लिए किस तरह फायदेमंद है और बाद में हम आपको बताएंगे कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसबगोल की भूसी सिर्फ कब्ज दूर करने के लिए ही सहायता करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसबगोल कब्ज के अलावा भी कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, ठीक से काम करता है, जिससे क्या होगा कि आपके पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है आपको नहीं होगी। अगर कोई समस्या है भी तो वो ठीक होने लग जाती है अगर आप इसका सेवन करते हैं। दोस्तों, पेट से जुड़ी तमाम दिक्कतें सिर्फ कब्ज की समस्या के कारण ही होती है, इसलिए
जरूरी है कि सबसे पहले कब्ज का इलाज किया जाए, जिससे बाकी समस्याएं अपने आप ही ठीक होती जाती हैं। इसबगोल में मौजूद फाइबर की अधिक मात्रा लैक्सिटिव की तरह काम करती है, इसलिए कब्ज को दूर करने के लिए आप इसका सेवन करें। आपने इसका सेवन कैसे करना है वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। डायबिटीज को ठीक करती है इसबगोल। इसबगोल में जिलेटिन पाया जाता है, जो शरीर में ग्लूकोज के टूटने और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे डायबिटीज यानी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे आपका इंसुलिन बनने लगता है और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। आप वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे से आज के समय में हर तीसरा आदमी परेशान है और वो मोटापे से निजात पाने के हर तरीके आजमा रहा है, जबकि कुछ आयुर्वेदिक तरीके से आप वजन को कम कर सकते हैं। कई मामलों में पेट ठीक से साफ न होने की वजह से भी आपका वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप इसबगोल का सेवन करते हैं तो आपके पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिससे आपका वजन भी कम होने लगेगा और आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको बवासीर की बीमारी है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। खाना ठीक से न पचने के कारण या फिर कब्ज के कारण मल त्याग करने में कठिनाई होती है और धीरे धीरे गुदा के पास की नसें जो है वो सूज जाती है, इससे बवासीर यानी पाल्स की समस्या आ जाती है। तो आप इस समस्या में इसबगोल का सेवन कर सकते हैं, इससे आपकी बवासीर ठीक होगी। पहले कब्ज ठीक हो जाएगी आपकी और फिर बवासीर भी ठीक हो जाएगी। दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसबगोल की भूसी में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप फाइबर से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने, लिपिड लेवल को बढ़ाने और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत ही मदद करती है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये दिल को सेहतमंद रखने में काफी उपयोगी है। डायरिया के इलाज में भी ये काफी फायदा करती है। कब्ज दूर करने के अलावा इसबगोल डायरिया या दस्त रोकने में बहुत कारगर है। अधिकांश डॉक्टर डायरिया के घरेलू उपाय के रूप में इसबगोल खाने की सलाह देते हैं। डायरिया होने पर इसबगोल को दही में मिलाकर आप खा सकते हैं। अधिकांश डॉक्टर डायरिया के घरेलू उपाय के लिए इसबगोल को खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों यदि आपको एसिडिटी बनती है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ हानिकारक चीजें खा लेने के बाद पेट में एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। अक्सर रात का खाना खाने के बाद ये समस्या ज्यादा होती है। एसिडिटी की वजह से पेट फूलना जैसी समस्याएं आ जाती हैं, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन सी महसूस होने लग जाती है हमें पेट में अंदर, तो इसके लिए भी आप इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपने इसबगोल का सेवन कैसे करना है। दोस्तों वैसे तो आप इसका सेवन तीन तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं। दूध के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो वो आपको रात को करना है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको दोस्तों खाना खाने के बाद करना है और वो तरीका बहुत ही कामयाब तरीका है। इस तरीके से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये तमाम बीमारियां आपकी सही हो जाएंगी जो हमने आपको वीडियो में बताई हैं। दोस्तों अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसका सेवन खाना खाने के आधे घंटे के बाद करें। जैसे ही आप खाना खाएं आधे घंटे के बाद इसका सेवन करें। और इसको सेवन ऐसे करना है, आपने एक कटोरी दही लेनी है, उसमें आपने एक चम्मच इसबगोल का डाल लेना है, उसको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसका सेवन करना है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। आप इसका तीन टाइम सेवन कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, दोपहर को भी। लेकिन आपने दोस्तों दही के साथ अगर आप सेवन कर रहे हैं इसका, या तो आप सुबह खाना खाने के बाद इसका सेवन करें या फिर आप दोपहर को भी इसका सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर रात को इसका सेवन करना है तो दही के साथ हरगिज ना करें। रात को आप दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं या पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी दही के साथ इसका सेवन करें, यानी दही में मिलाकर इसबगोल का सेवन करें, तो आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।